सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल सोनीपत 24 को। सबसे पहले लेटेस्ट खबरें देखने के लिए बेल आइकन को दबाइए। हत्या की वारदात को अंजाम देने वाला मोस्ट वांटेड हुआ गिरफ्तार। सोनीपत की एसटीएफ पुलिस ने एक ऐसे शातिर बदमाश को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है जिसने 2015 में भिवानी में हत्या की वारदात को अंजाम दिया था और फिर मौके से फरार हो गया था, जिसको अब गुप्त सूचना के आधार पर गिरफ्तार किया गया है। सोनीपत की एसटीएफ पुलिस ने अपराधी को गिरफ्तार किया। ये 25,000 रुपए का इनामी मोस्ट वांटेड बजरंग है, जो हरियाणा के भिवानी का रहने वाला है, जिसने 23 जुलाई 2015 में अपनी पुत्र वधु सुनीता की हत्या कर दी थी। उसके बाद मौके से फरार हो गया था, जिसको वर्ष 2017 में अदालत द्वारा भगोड़ा घोषित किया गया था और पुलिस ने इसके गिरफ्तारी को लेकर इनाम भी रखा था। एसटीएफ इंस्पेक्टर सतीश देशवाल ने बताया कि गिरफ्तार आरोपी ने बहुत ही बेरहमी से इस हत्या की वारदात को अंजाम दिया था, जिसने अपनी पुत्र वधु सुनीता को कुल्हाड़ी से टुकड़ों में काट दिया था। अब इसे चुरासी पार्क नेशनल हाईवे मोटर क्षेत्र से गिरफ्तार किया गया है। जिस तरह से ये मोस्ट वांटेड आरोपी 6 वर्ष में पुलिस ने गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है, इसी तरीके से अपराधी चाहे कितना भी शातिर क्यों ना हो, एक ना एक दिन वो पुलिस के शिकंजे में आ ही जाता है और फिर उसके गुनाहों की सजा जेल में एक एक दिन अपराधों को याद कर भुगतनी होती है। सोनीपत 24 के लिए श्याम वशिष्ठ के साथ रमेश कुमार की रिपोर्ट। कल रात को हमारी टीम ने 25,000 रुपए का मोस्ट वांटेड अपराधी है बजरंग, जो भिवानी का रहने वाला है, जिसने 2015 जुलाई में अपने पुत्र वधु का उसके प्रति बदनीयत रखते हुए मर्डर कर दिया है, जिसमें ये मौके से ही फरार हो गया। और इसने वो जो मर्डर किया वो बड़ी बेरहमी से उसके शरीर को कुल्हाड़ी से छलनी करके तब उसकी सुनीता नाम था उसका उसकी हत्या की थी। फिर बाद में उसके बाद में वहाँ से फरार हो गया। फरार होने के बाद जो है ना ये यूपी चला गया और राजस्थान में इसने ट्रकों पे कंडक्टरी की, कुछ दाड़ी मजदूरी की, हरिद्वार वगैरह में, धर्मशाला में जो है ना ये रुकता रहा। और फिर उसने एक जो ट्रकों में और बड़े व्हीकल हैं उनमें जो ग्रीसिंग का काम होता है वो काम स्टार्ट कर दिया। कहाँ से गिरफ्तार? इन बिटवीन पुलिस इसके ऊपर हमेशा तभी से प्रयासरत रही, क्योंकि ये काफ़ी जघन्य अपराध था। वही कुल्हाड़ियों की निर्मम हत्या जो है ना उसने इसकी कहाँ से गिरफ्तार हो? तो इसको हमने मुरथल एरिया से सोनीपत से गिरफ्तार किया। सर कितना इनाम था इस पर? इसके ऊपर 25,000 रुपये का इनाम घोषित कर रखा था।